हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। जालौर के श्री आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल का एक वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित महानुभाव ने दीप प्रज्वल एवं केक कटिंग कर की गई और पिछले साल इस हॉस्पिटल द्वारा की गई सेवाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया। इस हॉस्पिटल प्रबंधक ने बताया कि गत वर्ष लगभग 19,000 से अधिक नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों ने इस हॉस्पिटल का लाभ प्राप्त किया। आज तक हॉस्पिटल द्वारा लगभग 400 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन हो चुके हैं। मोती बिंदु का ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में फेको विधि से बिना टाकों का किया जा रहा है एवं समय समय पर इस हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है। इस नेत्र शिविरों में लगभग 800 से ऊपर मरीजों ने लाभ प्राप्त किया है एवं 70 से ऊपर मरीजों का निःशुल्क में मोती बिंदु का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। इसी संदर्भ में इसी आने वाले रविवार को दिनांक 18 नवंबर 2018 को जालौर के पासी बिशनगढ़ में एक निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान फतेह कल्याण ट्रस्ट एंड ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अबू पर्वत और जालौर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।